चलो जोया की दुकान में बैठते हैं। चलो चलो। जोया है भी या नहीं पता नहीं। जोया है यार। तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ यार। आ जाओ यार बैठो। बहुत मिस करी हूँ यार। मैं भी। वाओ। अरे तेरा दुकान और बिजनेस कैसा चल रहा है? अरे यार इतना अच्छा भी नहीं इतना बुरा भी नहीं, किसी भी तरह गुजार रहे हो बस। ऐसे सिर्फ मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। एंजॉय करते मस्ती करते और क्या, जिंदगी में ऐसे जीने है ना। और तुम ऐसे दुकान पे बैठे रहोगे हर दिन? हाँ यार क्या करूँ, मालिक भी नहीं है, सारा काम मुझे ही देखना पड़ रहा है। अरे बुरी नहीं लगते तेरे को? चलो। नहीं यार तुम लोग जाओ। अरे लाइफ में कभी कभी दोस्तों के साथ घूमना फिरना एंजॉय करना भी चाहिए ना। हाँ यार क्या करो, दुकान भी नहीं छोड़ सकती, मेरा तो यही जिंदगी बन गई। अरे चलो ना यार, चलो ना यार, उठो ना, चलो चलो। नहीं यार चलो ना, तुम लोग जाओ, मैं नहीं छोड़ सकती। उठो ना, देखो ना कोई भी नहीं, सारा काम मैं ही देख रहा हूँ। अरे टेंशन ने काम काम मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों यार? अरे यार उसको छोड़ो, हम लोग चलते हैं, उसको बोरिंग लग रहा है, हम लोग चलते हैं। अरे बिशु भाई क्या कर रहा है इधर? अरे भाई इधर आ जा, हम लोग करके एंजॉय करेंगे। रुको आता हूं भाई, सेट करके। ये क्या कर रहे हो? अरे यार इधर बैठो, हम लोग एक बियर ले रहे हैं, तुम भी एक लो। अरे ये पिएगा तो गर्लफ्रेंड से मिलने लेट हो जाएगा रे। अरे भाई एक लो, एक ले लो, दूसरा दिन मिल लेना, अभी इधर एंजॉय करना है। आ जाओ चेस करते हैं। चेस। अरे यार दर भी खत्म हो गया, नशा भी नहीं चला। अरे यार चिंता मत करो, मेरे पास और एक चीज है। क्या चीज है? अरे रुको रुको भाई, दिखाता हूँ। वाओ ये क्या है? अरे यार ये लेने से तुम्हारा टेंशन भी दूर हो जाएगा, नशा भी ज्यादा चलेगा। सच में? हाँ ये लेने से तुम्हारा जो थकान है ना ये भी चला जाएगा। भाई ये एक बार ट्राई करके देखो, बहुत अच्छा चीज है। अच्छा ये किस तरह करते हैं? अरे भाई रुको मैं दिखाता हूँ। इसको ऐसे निकल करने बाद इसको इधर दवाई लेने के बाद चलो चलो। हाँ हाँ चलो चलते हैं। ए जुया क्या कर रही है? कुछ नहीं यार ऐसे ही काम कर रहे हो, तुम कैसे हो? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, और तुम कैसे हो? कुछ नहीं यार थोड़ा परेशान हूँ। क्यों परेशान हो रही हो तुम? मैं हूँ ना तेरी परेशानी दूर करने के लिए, मेरे पास दवाई है। अरे दूर बैठो यार, काम 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 छोड़ो, तेरा टेंशन दूर हो जाएगा, बैठ। ए लाइटर है तेरे पास? अरे क्यों टेंशन लेते हो जिया तुम? चलो मैं तुम्हें एक जगह में लेके चलते हो, वहाँ कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं, सिर्फ एंजॉय ही एंजॉय। चलो ना उठो ना, नहीं यार, चलना ही पड़ेगा, तुम लोग जाओ। चलो ना चलो 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 ना एंजॉय करते हैं, चलो ना चलो। हे तुम जरा दुकान देखना। ए सौरभ तेरे पास है ना? हाँ। ए, मैंने बोला था ना तुमको जो उदा भाई टेंशन दूर करने वाला,
ठीक क्या ठीक है? ए फोर नंबर वाला दवाई है, ये टेंशन दूर करेंगे, दुनिया पूरा भूल जाते हैं ये दवाई लेने से, पता है तुमको? एक बार ट्राई करके देखो। नहीं नहीं मुझे डर लगता है ये। अरे कोई डर नहीं है। नहीं मुझे डर लगता है। अरे एक बार ट्राई करके देखो ना यार, ट्राई करके देखो, एक बार ट्राई करके, एक बार करने से कुछ नहीं होता, एक बार ट्राई करने से कुछ नहीं होता। तुमने भी लिया था? हां मैंने भी लिया था, एक बार ट्राई करके देखो। तेरा पेट में दर्द? ओहो, अगर ऐसे बात है तो तुमको वही दवाई लेनी पड़ेगी। प्लीज मुझे एक दे दो। ओह ओके ओके मैं लेके आती हूँ, ठीक है? हाँ भी आती हूँ। ओके Yeah!
हेलो निशा, तुम्हारे पास नंबर 4 है? हाँ हाँ हाँ, आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ, उधर ही रुको। ये सब क्या हुआ? यहाँ से इतना सारा हिसाब, जो इतना सारा माल बिका हुआ, ये पैसा सब कुछ कहाँ गया? ये हिसाब भी, ये नोटबुक भी मेंटेन नहीं किया, ये रजिस्टर भी मेंटेन करना चाहिए ना तुमको? क्या हो रहा है? हाँ, कस्टमर भी अच्छे तरह से नहीं देखता, जब मैं आया तो नीचे पर सो रहा है। क्या है ये? देखो इतना सारा पैसा पेंडिंग क्यों है? कहाँ गया ये सब? पॉकेट में क्या है? कुछ छुपाया है क्या? दिखाओ तो, क्या है? दिखाओ, दिखाओ तो, क्या है इसमें? क्या भैया, अरे ये सब करते हो तुम? हाँ, ये क्या है? तुम ड्रग्स लेते हो? कब से लेना शुरू किया तुम? हाँ, तुम ये भी लेते हो? कहाँ से लेते हो ये? हाँ, तुम लोगों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, चले जाओ यहाँ से, जाओ। क्या है, काम भी अच्छे से नहीं करता, सब भी मेंटेन। अरे सुनाई नहीं दिया क्या? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। अरे दोबारा तुम्हारा शक्ल मत दिखाना यहाँ, जाओ। क्या हुआ? बोलो बोलो, क्या हुआ मुझे बताओ, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, मेरा कोई दोष नहीं है। चलो कोई नहीं, मैं हूँ ना, मुझे अपनी प्रॉब्लम बता दो, बताओ। चलो चलो बोलो, क्या हुआ? हम लोग आ गए, तुम आ जाओ। अच्छा ठीक है ठीक है। लो भाई, अंकल जी आ गए। थोड़ा लेट हो गया मेरे को। हाँ ठीक है, तो ये है ना? हाँ, यही लिखने वाला है। कितना? 2000।
सर। हाँ बोलिए। सर मुझे एक कंप्लेन करनी है। हाँ बताइए। सर हमारे सोसाइटी पे ड्रग्स की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर, हमें आप लोगों की मदद चाहिए। इमीडिएट जाके अभी पुलिस एक्शन किया जाए। आजकल हमें ड्रग्स के बारे में बहुत खबर मिल रही है, ये जो ड्रग्स की समस्या है बहुत खतरनाक समस्या है, तो मैं चाहता हूँ कि जब भी हमें खबर मिलती है ड्रग सेलर्स या ड्रग्स खरीदने वाले के खिलाफ, तो हमें तुरंत एक्शन लेना है। सब समझे? हेलो, आज ही कंचनपुर पी एस? यस। वो ड्रग का कहाँ पे? जी आ रहा हूँ। चलो 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 जाओ। ए पटे कहाँ है? चलो निकलो, फोन नंबर वाला निकलो। क्या नाम है तुम्हारा? इधर ये ड्रग ले रहे हो तुम भाई, ये तुम्हारा फैमिली बर्बाद हो गया, तुम तो बर्बाद हो ही गया। अभी सच सच बता देना कहाँ से ले रहे हो ये ड्रग? कौन दे रहा है? कौन? आकाश। कहाँ का रहने वाला है? तीन नंबर गली में रहता है। कैसा है हालचाल? हाँ चाहिए और? अच्छा कहाँ पे? कौन है? रुक ड्रग सेल कर रहा है ना यहाँ पे। चेस करो उठो चलो। अच्छा हुआ आपने ड्रग्स का गलत रास्ता छोड़ के पढ़ाई और मेहनत करके एक पुलिस अफसर बन गई हैं। आपकी सोसाइटी और फैमिली को आप पे बहुत गर्व है। आप यूथ के लिए एक रोल मॉडल हैं। लेकिन अभी आपकी लड़ाई खत्म नहीं, शुरू हुई है। अब हम सबको मिलके ड्रग फ्री त्रिपुरा बनाना है। बेस्ट ऑफ लक। ड्रग्स लेना और बेचना कानूनन जुर्म है, तो कृपया आप इनसे दूर रहे, सतर्क रहे और कानून की मदद कीजिए। समाज से इसको मुक्त कीजिए, समाज को एक नया परिवेश आप दान कीजिए। ड्रग अब्यूज इज अ सीरियस प्रॉब्लम। ऑन दिस इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, आई वुड लाइक टू गिव अ मैसेज दैट प्लीज से नो टू ड्रग्स, एंड इफ यू फाइंड एनीबडी टेकिंग ड्रग्स, कंज्यूमिंग ड्रग्स और सेलिंग ड्रग्स, प्लीज रिपोर्ट टू अस। आइए सुनते हैं कुछ बातें उनकी ही जुबान पर, उनकी ही कहानी। मैं पहले ड्रग्स लेता था, तो ड्रग्स लेने का बाद मैं बहुत ड्रग्स लिया, लेने का बाद मेरा नाम बहुत ख़राब हो गया था। मैं इधर का ही रहने वाला हूँ, तो ड्रग्स लिया मैं, मेरा घर में भी बहुत दिक्कत हुआ था पैसे का। मैं घर से बहुत पैसा लिया था, फिर दोस्तों से भी उधार से बहुत पैसा लिया। तो ड्रग्स लेने के बाद बहुत मेरा रात को नींद नहीं आता था, कभी कभी पूरा पेन होता था, तो कभी कभी तो टॉयलेट भी नहीं होता है। ड्रग्स इतना सफरिंग होता है कि
चोरी कर लो कि किसी से क्या दागाबाज ऐसा कर लो कि दोस्त से भी गद्दारी ऐसा भी कर सकता। ड्रग्स इतना बुरा है कि एक बार जो यूज़ कर लिया मतलब पूरा उसका लाइफ ख़राब हो जाएगा। इतना ख़राब ड्रग्स है तो सोसाइटी में भी हम लोग को कोई नाम भी नहीं है। हर कोई दिखता है तो हम लोग को बोलते हैं ये ड्रगिस्ट है। ऐसा कुछ हम लोग को थोड़ा देने काम भी नहीं दे रहे हम लोग को। कोई जो काम मांगने जा रहे तो बोलता है नहीं नहीं तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि हम लोग पहले ड्रग्स लिया था। क्योंकि उन लोग को विश्वास नहीं है रहा कि वो ड्रग्स लेता था अभी हमारा पास काम करेगा तो ये चोरी भी कर सकता है कि नहीं कर सकता है ऐसा भी हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग छोड़ दिए ड्रग्स अभी पूरा बंद करना चाहिए ड्रग्स। हमें বন্ধুদের সাথে পরে 2014 থেকে 2018 পর্যন্ত ড্রাগস নিয়েছি এবং 14 পর থেকে আমি বহুত আমার ঘরে প্রবলেম হয়েছে। আমার পুরো ফ্যামিলিও আছে ছেলেও আছে ঘরে ঘরে আমার দোকানও ছিল হার্ডওয়্যারের দোকানটাও আমার বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং আমার ছেলের দিকে ভেবে আমি এখানে ওএসটি সেন্টারে যোগাযোগ করেছি এবং রেজিস্ট্রেশন করেছি করে ওএসটি ট্রিটমেন্ট নিয়েছি। তারপরেও মানে কিছুদিন প্রবলেম হয়েছে শরীরে ব্যথা বেদনা হয়েছে তারপরেও এটা আমি সহ্য করেছি করে ধীরে ধীরে এটা পুরো বন্ধ করে আমি মেডিসিনটাকেও এখন কমিয়ে নিয়েছি। যারা ড্রাগস ইউজ করতেছে বর্তমানে তারা যেন এই রাস্তায় না আসে তার জন্য আমি অনুরোধ করছি এবং পাড়া প্রতিবেশী যেন প্রশাসনের সহযোগিতা নেয় যারা এটা বিক্রি করছে তাদেরকে যেন প্রশাসন আইনত ব্যবস্থা নেয়। খেতাফর আনানত তিনি কৌ সামচুমুখে ব্রাগস নি ব্যাপার আছে আং আনো পালরবাই আং 3 বছর গাঙ ফোর্স খেও আনো ড্রাগস লাদিহি আং লাদে উংয়ে ব্যথা চাই আং থাহা আবন দিন নানতলা দিহিং সানি মসে তখে খে ব ড্রাগস মালে ব্যথা চাই মাসে ব ড্রাগস লাই আং আইন নব্রুণ ফোন কষ্ট রেহা আইনি লেখা পড়া ফোন নষ্ট হা ওকে মানের ফোন খাওয়া দেও কেনার যদি সে মাতা পালরবাই ফোর্স খেমকে যা চিন আইপিএস সারফ তো ব্রাউন থিপ হেল্প লামাই সাদি ব্রাউন কে যে ড্রাগস ফানে তোমার ব্রাউন ফোন নিখে নার হেল্প খেদি সাকরু দি আই এম ইউজিং ড্রাগ লং টাইম সিন্স লাস্ট 10 ইয়ার্স But now I am free, drug-free life, continue drug-free. But drug use is very dangerous of our state young population. I am using Priot, no problem. I not face anybody problem. But when I not use drug, I face different type of problem like body pain, loose motion, and also loss of our everything. My family support and education, loss of my job. Once you started and when you get suffer, that time your body pain and you won't able to sleep, shivering, it happens and you won't able to eat food also properly. If you don't want to go also, you have to go through wrong way. Means like stealing things. Those who are hearing, please I hope that don't try. And if you are involved in this, there is this counseling, rehab center, and now then even government are supplying medicine and you can leave it. So please don't try this.